नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, ये इमेज 2021 HRMN 99 प्लान किया और अब हम आपको 2022 में HRMN 99 प्लान के फ्लावर दिखा रहे हैं कि कितने खूबसूरत फ्लावर आ रहे हैं हमारे प्लांट में। आज डेट है 13 फरवरी 2022। ये हमारा प्लांट जो है वो है HRMN 99 का। देखिए कितने खूबसूरत फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है और हम आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो फ्लावर है अभी प्लांट की ऊपर वाली शाखाओं में सबसे ऊपर की तरफ आया, जो कि हमने कटिंग की थी, बिल्कुल उसी के पास कटिंग के पास फ्लावर आया। आपको ये वीडियो दिखाने का जो पर्पज़ है वो है कि आप अब इस समय अपने प्लांट में क्या करें अगर आपने HRMN 99 प्लांट लगाया हुआ नहीं लगाया है तो जल्दी ही लगा लें, क्योंकि ये वैरायटी बहुत ही ख़ास है और ये वैरायटी जो है कहीं पर भी कभी भी हो जाती है। इसको उगाने के लिए किसी ख़ास तापमान की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये 47 डिग्री तापमान पर भी हो जाती है। अब हम जो बात करना चाह रहे थे वो ये थी कि हम अब क्या करें, फ्लावर आ चुके हैं, आने वाले हैं, तो इस दौरान प्लांट को, अपने ट्री को पानी बिल्कुल ना दें। अभी तक आप पानी देते आ रहे होंगे और अब पानी बंद कर दें। अगर आप पानी फ्लावरिंग के टाइम पे देते हैं तो आपका फ्लावर जो है वो ड्रॉप हो जाएगा और आपके जो फ्रूट सेट हैं वो नहीं हो पाएंगे, जिससे कि आपको मन अनुसार रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए आप पानी बिल्कुल ना दें और किसी भी प्रकार की इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ना करें, क्योंकि इसी दौरान जो हमारे मित्र कीट हैं, मधुमक्खी, तितली वगैरह, ये हमारे फ्लावर पर आकर बैठते हैं और पोलिनेशन करते हैं, परागण की क्रिया को पूर्ण करते हैं, जिससे फूल फल में परिवर्तित होता है। अगर आपने इंसेक्टिसाइड का प्रयोग किया, पेस्टिसाइड का प्रयोग किया, तो मित्र कीट हमारे पौधे के पास नहीं आएंगे, फ्लावर पे नहीं बैठेंगे, जिससे हमें बहुत नुकसान होगा। इसलिए ऐसा ना करें। और ये देखिए हमारा डोरसेट गोल्डन एप्पल प्लांट, ये 1 साल का प्लांट है। देखिए कितना खूबसूरत फूल आ रहे हैं इसमें भी, वाइट कलर के HRMN 99 में, पिंक कलर के और इसमें वाइट कलर के। इसमें एक फल हमारा 1 महीने पहले भी आ गया था। जैसे